यूपी में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इसका सीधा असर अब यहां किसानों पर दिखाई दे रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से शाहजहांपुर में गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। आंधी और ओलावृष्टि के बाद किसानों के चेहरे पर सिकन की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ये वो खेत हैं जहां पर गेहूं की फसल पकने के कगार पर है। साथ ही जो सरसों की फसल है वो पूरी तरीके से पक चुकी है। कुछ ही दिनों में इन फसलों को काटा जाना था, लेकिन मौसम ने किसानों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। हालांकि इससे पहले आलू किसानों को पहले ही जो फसल थी वो धोखा दे चुकी थी, क्योंकि उसके दाम बहुत ज़्यादा गिर गए थे। ऐसे में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो फसलों को बड़ा नुकसान होगा। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो बारिश हो रही है उससे फसल को, खासतौर पर सरसों की और गेहूं की फसल को क्या नुकसान हो सकता है। ये बताइए कि बारिश तो तेज़ हो रही है, अगर तेज हवा चलती है और ज़्यादा बारिश होती तो जो गेहूं की फसल या सरसों की फसल उसमें कैसे नुकसान होगा। ये तो गेहूं है सब बेकार हो जाएंगे, सब गिर जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ऐसे इसमें दाना नहीं बढ़िया गिरा, और जो सरसों है जे भी नहीं खन पाए, कट पाएगी जी। ऐसे तो अब किसानों की परेशानी कैसी हो सकती है? परेशानी का परेशानी बढ़ी रही है जी। मतलब जो सरसों पकी खड़ी हुई है और कट नहीं पाएगी अभी, और कटी जो पड़ी है वो तो बेकार ही हो जाएगी, बिल्कुल सब सड़ जाएगी आधी ज़्यादा। अभी पूरा भरोसा था फसल की, कैसी हालत हो सकती है, अब कैसा नुकसान हो सकता है बारिश में? इसका क्या, सब गेहूँ हैं तो सब खराबी हो जाएंगे, सब नुकसान ही नुकसान है, और कोई नुकसान नहीं है इसके बाद। तो एहतियातन कुछ कुछ कर रहे हैं क्या, प्रार्थना भी कर रहे होंगे कि बारिश रुक जाए, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे? बारिश क्या, सभी लोग कह रहे हैं बारिश रुक जाए, बारिश ना हो नहीं तो नुकसान हो जाए बस, और क्या। देखिए निश्चित तौर पर ये कुदरत का ही एक परिवर्तन है कि पहाड़ों पर मौसम बदला, जिसका असर सीधा मैदानी इलाकों पर हुआ है, जिसकी वजह से आंधी बारिश और ओलावृष्टि की लगातार जारी है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी कि 22 तारीख तक इस तरीके की घटनाएं या बारिश होती रहेगी। ऐसे में एक बार फिर से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। शाहजहांपुर से शिव कुमार, जी मीडिया।